आपको क्या बताऊं, ये अंजुम आपा ना तो मेरी जान का रोग बन गई हैं। इनके दिखावे की मोहब्बत के चक्कर में मैं तो पिस जाऊंगी। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? कोई एक बात हो तो बताऊं ना, हर बात में मेरी हर बात में टांग अड़ाती हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं करो, और वो शाजी उन्हीं की हिमायत करता है, हाँ में हाँ मिलाता रहता है। एक बात जान गई हूं मैं मम्मा, जब तक वो औरत उस घर में है ना, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। ये समझ नहीं आता कि कैसे जान छुड़वाऊं उनसे। क्या हो गया जारा, इतनी नाशुकरी ना बनो। एक ही नंद है तुम्हारी, वो भी नहीं बर्दाश्त हो रही तुमसे। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, जाओ जाके देखो लोगों को कैसे पूरे के पूरे कुंबे झेल रहे हैं। झेल रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं झेल सकती। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं उस शज्जी की तरह अंजुम आपा के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहूंगी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी, तो ये आपकी गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। देखो जारा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर अपने शोहर के दिल में घर करना चाहती हो ना, तो बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। उसके सामने कभी भी उसकी बहन से बुरा सलूक ना करना, वरना तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानती मम्मा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप उस अंजुम आपा से मेरी जान छुड़वा रही, नहीं तो मैं वापस इस घर में आ जाऊंगी। ओफो, अब इतनी भी जज्बाती मत हो। जैसे वो दिखावे की मोहब्बतें करती है ना, तुम भी थोड़े दिन दिखावा कर लो, क्या जाता है। फिर देखती हूँ मैं उस अंजुम की शादी करवाती हूँ, कहीं रिश्ता देख के। क्या हो गया मम्मा, अंजुम आपा की शादी? कौन करेगा इस उम्र में उनसे शादी? मेरी बात सुनो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। मैं जाहिर है उसके लिए उसकी उम्र का ही कोई देखूंगी ना। मैं तो कोशिश करती हूँ, तुम्हारी नजर में कोई है तो तुम भी बताओ। नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल नामुमकिन। और मैं पागल हूँ जो इस उम्र की औरत के लिए रिश्ता ढूंढती फिरूं? वैसे मेरे अपने बहुत काम है। ठीक है तो फिर झेलती रहो, क्योंकि तुम्हारा शौहर अपनी बहन को बहुत चाहता है। याद रखना कि वो तुम्हें तो छोड़ सकते, लेकिन अपनी बहन की बात कभी रद्द नहीं करेगा, समझी?